गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा बचपन। सो दिस इज हिंदी वीडियो ऑफ चैप्टर अवर बॉडी, मतलब ये हिंदी वीडियो है हम अवर बॉडी चैप्टर का, क्योंकि इंग्लिश रहेगा इसी चैनल पे। सो अवर बॉडी एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में। सो अवर बॉडी सो इसमें अवर बॉडी पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे बॉडी का। तो ये है, आप ये टॉपिक है जो अवर बॉडी चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन। ओके, मेन टॉपिक विच इज मतलब अब मेन टॉपिक पे चलते हैं नर्वस सिस्टम की ओर। सो आपको ये आदमी दिख रहा है ना, ये असल में ये आदमी नहीं, नर्वस सिस्टम वाला आदमी है। तो यहाँ पे आप नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये आपको दिख रहा है गोल गोल, इट इज नोन एज ब्रेन। और ये लंबा लंबा दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक वही वही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चार पांच नहीं है, यहाँ से यहाँ तक मतलब वही है, एक ही है। इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, SP शॉर्ट में। स्पाइनल कॉर्ड की मीनिंग सुन लो गाइस, SPINALCORD, रीड की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, रीड रज्जू। सो इसके बाद ये हमारा हाथ है गाइस। सो हाथ में ये आपको धागा धागा से दिख रहे होंगे, पैर में भी ये, इनको हम लोग कहते हैं नर्व्स, NERVS। नर्व्स का क्या काम होता है, ये जो ब्रेन हमारा, ब्रेन जो हमारा सिग्नल भेजता है, तो ये सिग्नल नर्व्स से पहुंचता है। हर पार्ट में नर्व होती है, तो ब्रेन सिग्नल भेजता है तो वो नर्व में जाता है, नर्व में जाता है उस पार्ट के जहाँ सिग्नल भेजना है ब्रेन को, और पार्ट उस तरह काम करता है। तो ब्रेन एक टाइप से मास्टरमाइंड है, हमारी बॉडी का एक टाइप से मास्टरमाइंड है। बिकॉज जो भी हम करते हैं सब ब्रेन कंट्रोल करता है, सो लेट्स मूव। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन केवल, तो आज हम केवल ब्रेन पढ़ेंगे। आपको स्पाइनल कॉर्ड का वीडियो अलग से मिलेगा। ओके, सो अभी ब्रेन देखते हैं। ब्रेन के जो है तीन पार्ट्स होते हैं बाबुलो, तीन पार्ट्स। कमेंट में बताइएगा कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं। ये देखो तीन पार्ट, फ्रंट ब्रेन, मिडिल ब्रेन, लास्ट ब्रेन। फ्रंट ब्रेन मिडिल ब्रेन लास्ट ब्रेन, ये तीन पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। तो अभी पढ़ते हैं फ्रंट ब्रेन के बारे में। सो फ्रंट ब्रेन क्या होता है, फ्रंट ब्रेन के जो है ना तीन पार्ट होते हैं। स्टार्टिंग का जो सामने का हिस्सा होता है ना, उसको फ्रंट ब्रेन कहते हैं। जो फ्रंट ब्रेन के ना तीन पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, THELEMUS, थैलेमस, CEREBUM, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, HYPOTHELEMUS, हाइपोथैलेमस। सो अब काम क्या होता है इन सबका,
तो फर्स्ट सेरेब्रम का जो काम होता है आपका इज टू कंट्रोल सिंपल एक्शंस लाइक रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रिमेम्बरिंग हो गया, और जो भी आप याद करते हैं ना वो सेरेब्रम में स्टोर रहता है आपका सेरेब्रम। ओके, और लोग कहते हैं बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। ठीक है, जितना बोझ डालोगे दिमाग में उतना दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा। सेरेब्रम, CEREBUM, सेरेब्रम। सेरेब्रम का क्या 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 काम होता है? सिंपल एक्शंस को कंट्रोल करना, लाइक रीडिंग राइटिंग। उसके बाद थैलेमस जो है फीलिंग, एक्सटर्नल बाहरी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे किसी को ठंड लग रही है, कोल्ड गर्मी लग रही है, हॉट पसीना आ रहा है, स्वेट SWEAT स्वेट, या फिर पसीना आ रहा है किसी को, इन सबको क्या कौन बताता है? आपका थैलेमस। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो थैलेमस बताएगा कि हमें गर्मी लग रही है, पता ही नहीं चलेगा ब्रेन के बिना। थैलेमस बताएगा आपको गर्मी लग रही है, थैलेमस बताएगा आपको सर्दी लग रही है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे हाइपोथैलेमस की ओर। तो हाइपोथैलेमस जो है हमारी आंतरिक यानी इंडो यानी कि अंदर की फीलिंग्स को व्यक्त करता है, जैसे कि लव, हेट, फियर, लव, हेट, फियर, एंगर, एनवाइन, डिप्रेशन, ऑल दीज आर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। यानी कि ये सभी चीज़ें हाइपोथैलेमस की वजह से होती हैं। लव, प्यार, घृणा, डर, गुस्सा, बेचैनी, डिप्रेशन, ये सभी आपके हाइपोथैलेमस की वजह से होती हैं। तो अब एक काम क्या होता है, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो कोई पूरा ब्रेन कोई काम नहीं करता। इंडोफीलिंग यही नहीं, भूख लग रही है, प्यास लगी है, ये सभी इंडोफीलिंग है। भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सभी इंडोफीलिंग है। तो जैसे कि जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है ना, हाइपोथैलेमस जब एक्टिव मीन्स अब हाइपोथैलेमस का काम आ जाता है तो पूरे ब्रेन को उल्टा पुल्टा कर देता है ये, मतलब फिर ब्रेन से ऐसे काम नहीं कर पाता, क्योंकि हाइपोथैलेमस ऐसे होता है ना कि पूरे ब्रेन को उल्टा पुल्टा करके रख देता है अगर ये एक्टिव हो गया। क्योंकि जैसे आप किसी से गुस्सा हो रहे हो तो फिर आपको कुछ मन में नहीं आता है, सीधा बस पीटने लगते हो, या फिर आपको भूख लगी है तो कोई काम नहीं होता क्योंकि भूखे पेट भरना हो गोपाला। तो मतलब जैसे भूख लगी है तो आपसे कोई काम नहीं होगा, ना पढ़ाई होगी, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। और कम गुस्सा करने के लिए गुस्सा हाइपोथैलेमस का रीजन है गुस्सा कम हो, प्यार कम हो, किसी से घृणा कम हो, उसके लिए जो है स्पाइसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, लहसुन प्याज थोड़ा कम करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, फ्रंट ब्रेन जो है आपका कंप्लीट हो गया। सो अभी चलते हैं, इनमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कारपूरा। कारपूरा का काम क्या होता है? आपकी आई, ईयर को कंट्रोल करना, आपकी आई ईयर को कंट्रोल करना। ओके, मीन्स जैसे आप किसी को देख रहे हैं तो उसमें आपका कारपूरा काम कर रहा है,
या फिर फोन कर रहा है कि जी तो सुनाई दे रहा है उसमें आपका कार पूरा वर्क कर रहा है। आई ईयर आंख कान को कौन कंट्रोल करता है? कार पूरा। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट सेरेबेरम। सेरेबेरम ध्यान रखिएगा, फ्रंट ब्रेन में था। सेरेबम सेरेबम CEREBUM इसमें है CEREBRUM। सेरेबेरम CEREBERUM सेरेबेरम। और आपका पश्च मस्तिष्क यानी कि लास्ट ब्रेन में होगा सेरेबेलम CEREBELUM। अच्छा बेटर ने तो सेरेबम का काम होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना है? स्पाइनल कॉर्ड। हमने बताया था यहाँ पे लड़का तो बना था ऐसा, ये था उसका पेट, ऐसे ऐसे लंबी हड्डी गई हुई थी, हड्डी के अंदर धागे थे। ये सब आपको स्पाइनल कॉर्ड चैप्टर में बताएंगे होता क्या है। लेकिन वो लड़का बना था उसमें हमने लंबी लंबी बताई थी, यहाँ से यहाँ तक, सिर से यहाँ तक जा रहा था। आप भी देखिएगा सिर से यहाँ तक, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये दूसरे वीडियो में मिलेगा आपको, नर्वस सिस्टम का दो वीडियो बनेगा, ये आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा पूरा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कैसा होता है। तो सेरेबम कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अभी आया नहीं है वीडियो। स्पाइनल कॉर्ड में आपको समझा देंगे क्या काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, कैसा होता है स्पाइनल कॉर्ड। सो अभी आएगा हमारा लास्ट ब्रेन। तो लास्ट ब्रेन के भी दो पार्ट होते सेरेबेलम CEREBLUM 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 सेरेबेलम CEREBLUM CEREBLUM सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का काम होता है आपका बैलेंस बनाना। तो जो सर्कस में होते हैं ना उनका बैलेंस अच्छा होता है, जो सर्कस में लोग होते हैं। सेरेबेलम और जो शराबी होता है उसका बैलेंस गड़बड़ होता है, ठीक है। बैलेंस सेरेबेलम, बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। और सेरेबेलम का एक और काम होता है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। मींस जैसे देखिए मुझे देखिएगा ध्यान से, बू आ रही है बॉल, अब ये तो देखते नहीं हमारा हाथ कहाँ है, हाथ जा रहा है बॉल की तरफ, बस बॉल को देखते देखते दौड़ते हैं, बॉल अपने आप हाथ में आ जाती है। हाथ तो देखना नहीं पड़ रहा, हाथ तो यहाँ, बॉल यहाँ, ऐसा हाथ है, फिर ऐसे करना पड़ता हो सीधा बॉल की ओर, देखते देखते चले जाते हैं आप ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे बॉल को पकड़ लेते हैं बिना हाथ को देखे। क्यों? ये हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब हैंड और आई मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों का साथ साथ काम हो रहा है, बॉल पकड़ने के लिए, किक मारने के लिए। ये कौन करता है कंट्रोल? सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या है? बैलेंस बनाना, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। इसके बाद आता है लास्ट पार्ट आपका लास्ट ब्रेन में मेड्यूला। क्या आता है? मेड्यूला। तो मेड्यूला का क्या काम होता है कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो मेड्यूला का काम होता है इन्वॉल्यूटरी। मेडुला इन्वॉल्यूटरी मींस मेडुला वर्क इज टू कंट्रोल इन्वॉल्यूटरी एक्शंस। मींस मेडुला का काम मतलब अनिच्छुक क्रियाएं जिसको हम सोचते नहीं अपने आप होती है, जैसे पाचन, डाइजेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, टॉयलेट का सिस्टम होना, टॉयलेट या डाइजेशन, और ये सब जो बाकी की चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। सो आज का टॉपिक यही एंड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। सो आज का टॉपिक
यही एंड होता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। एंड आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ दैट मेड्यूला जो मेड्यूला नाम है ना, वो उसका मेड्यूला फुल फॉर्म नहीं है। मेड्यूला का फुल नेम नहीं है, ये मेड्यूला का ये नेम है फुल मेड्यूला एबलोंगाटा। मेड्यूला एब लॉन्ग गाटा।